सभी मुझे देखे, तो कोई आपको फोटो खींच लेता है या फॉरवर्ड कर देता है तो आपको डरना नहीं है, आप फौरन पुलिस में एफआईआर कर दीजिए या 1098 पर बता दीजिए। वो लड़का आपको थाने जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको हेल्पलाइन 1098 आप कॉल करते हैं तो वो लड़का अरेस्ट हो जाएगा, वो आदमी अरेस्ट हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कोई आपका फोटो नहीं खींच सकता। मैंने आप ऐसे परेशान नहीं हुई, आप बता दीजिए। और आप अपने स्कूल कॉलेज में 2-4 लड़कों को भिजवा देंगे 3 साल के लिए, तो बाकी लड़के अपने आप अलर्ट हो जाएंगे। तो ये समझ लीजिए, कोई आपको फोटो नहीं खींच सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर, यदि लड़का पहली बार अरेस्ट हो जाता है फोटो खींचने पर, तो 1 से 3 साल की सजा है। लेकिन दूसरी बार पकड़ा जाता है तो 7 साल की सजा है। तीसरी बार पकड़े जाने पर तो उम्र कैद है। अब समझ लीजिए लड़कों को कितना खतरा है, मोबाइल का दुरुपयोग करना कितना खतरनाक है। आप मेरे से इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं, इंटरनेट पर भी ले सकते हैं, किसी थाने में जाकर के भी ले सकते हैं। बल्कि मैंने ऐसा चार्ट तैयार किया कि हर विद्यालय में चार्ट लगना चाहिए, लड़के लड़कियों को कानून की अवेयरनेस के लिए मैंने पूरा तैयार किया हुआ है, आप ले सकते हैं। यदि कोई लड़की पर तेजाब का हमला किया जाता है, एसिड अटैक होता है, तो ऐसे लड़कों को बहुत सोच समझ लेना चाहिए, ऐसे आदमियों को समझ लेना चाहिए कि आपको 10 साल से कम की जेल नहीं होगी। जेल का मतलब आप, मैं कभी उसका वर्णन भी करूंगा आपको, 10 साल जेल क्या चीज होती होगी। तो आगे, कोई रेप करने की कोशिश करता है या रेप करता है, माने जबरदस्ती लड़कियों को छूता है, लड़कियों के साथ गलत हरकत करता है, रेप करता है, तो 7 से 10 वर्ष की सजा है। और 12 वर्ष से लड़की यदि छोटी है तो आजकल 20 साल की सजा है। आपको मालूम होगा अपना प्यारा नाम, एक और लवली नाम आसाराम। आजकल बड़े मजे कर रहे हैं जेल में। लड़की को किडनैप करके ले जाना, भगा के ले जाना, लड़की को बातों में फुसला करके, बातें करके, उसको ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखा करके आप किसी लड़की को भगा के ले जाता कोई लड़का, तो उसको 10 वर्ष की सजा है। दो लड़के भी आपस में गलत हरकतें करते हैं, दो लड़के, दो फ्रेंड, दो लड़कियां एक साथ सोते हो, बैठते हो, गलत चेष्टाएं करते हो, तो ऐसे लड़कों को भी 2 तरह की सजा है। 3 वर्ष की सजा मिनिमम है, और यदि वो बहुत दुष्कृत होता है तो उम्र कैद भी है। मैंने दो लड़के दो लड़कियां आपस में मिलकर के भी सोएं, गलत चेष्टाएं करें और कोई उनकी कंप्लेंट कर दे तो उनके लिए 3 वर्ष कम से कम सजा है, अधिकतम सजा उम्र कैद है। लापरवाही से, वेरी गुड, खोल के दो। आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हैं या लापरवाही से आप उठ बैठ रहे हैं और आपकी गलती से कोई की मौत हो जाती है, लापरवाही से, इंटेंशनली नहीं, जानबूझकर नहीं, लेकिन लापरवाही से मौत होती है, तो आपको 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। एक ही चाहिए था मेरे, एक मेरे पास आ गया था। आगे देखिए, वेस्टेज नहीं करना था, सारा खोल दिया, एक ही ग्लास लाए। ये कैप्सूल है हमारे पास, एक जानकारी और दे देना थोड़ा सा, फिर मैं खोल के दिखाता हूं। लापरवाही से मौत होती है ये बता दिया। बच्चों के साथ कोई गलत हरकत करता है, कल आपने पिक्चर देखी थी कोमल, यदि आपके साथ कोई भी इस तरह की हरकत होती है, चाहे बच्चों के साथ या बच्चियों के साथ, आपको जानकर मालूम होना ही चाहिए कि 94% बच्चों के साथ गलत हरकतें उनके परिचित लोग करते हैं, नियरेस्ट लोग करते हैं, उन्हें 50,000 रुपए का दंड और 5 साल, 7 साल या 10 साल, मतलब 5 साल से लेकर 10 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसे ही आप बातों में कई बार दोस्त ऐसा करते हैं कि अश्लील SMS भेज देते हैं, अश्लील SMS भेजते से या ईमेल करने पर पुलिस फौरन आपको 24 घंटे के लिए, तो तत्काल बिना जमानत के, बिना किसी बात के, बिना नोटिस के, आपको 24 घंटे के लिए हवालात में बिठा सकती है और आपसे पूछताछ कर सकती है। बच्चियों के लिए बहुत सारी बातें हैं, 15 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को थाने में नहीं बुलाया जा सकता, चाहे लड़का हो या लड़की। पुलिस यदि कोई बयान भी लेगी तो आपके पास आकर लेगी, मैंने आपको ये भी जरूरी नहीं कि आप कोर्ट में जाएं या पुलिस थाने में जाएं, लेकिन आपको केवल 1098 घुमाना है। यदि 50% महिलाएं किसी मोहल्ले में डिमांड करती हैं कि यहां पर अंडे की दुकान नहीं होनी चाहिए, मांस की दुकान नहीं होनी चाहिए या शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए,
तो उस मोहल्ले की 50% महिलाएं मिलकर के केवल एक कलेक्टर को ज्ञापन देंगी, उस ज्ञापन के बल पर आप विद्यालय में मान लो 50% बच्चियां यदि डिमांड करती है कि हमारे स्कूल के आसपास पान की दुकानें हैं, गुटके की दुकानें हैं, हम नहीं लाइक करते कि वो लड़के वहां खड़े रहे, शराब की दुकान है, किसी भी तरह की दुकान है, तो आप चाहे तो अपने स्कूल के लिए, अपने स्कूल के आसपास ऐसी दुकानों को हटवा सकती हैं। 50% महिलाओं की डिमांड करने पर ऐसा होता है। मैंने नोवा नाम की लड़की का नाम बताया था, नीदरलैंड की लड़की थी, इसकी कटिंग मेरे पास है न्यूज़पेपर की। उसने बार बार जब कंप्लेंट करती थी तो पुलिस थाना वाले सुनते नहीं थे, तो इस बच्ची ने मोबाइल का इस्तेमाल किया, उन लड़कों की वीडियो बनाई, सेल्फी के साथ बनाई और फेसबुक पर डालना शुरू कर दिया। नीदरलैंड के सारे बच्चे और सारे बुजुर्ग उस लड़की से डरने लगे, बार बार रो रो करके कह रहे कि प्लीज माफ कर दो, अब हम नहीं करेंगे, हमारा नाम हटा दीजिए, हमारी फोटो हटा दीजिए फेसबुक से। कुल मिलाकर के आप अपने बचाव करें। मैं 2-3 घटनाएं भी सुनाता हूँ बच्चियों के लिए खास तौर से। मैं तो चाह रहा था बच्चियों का सेशन मैं सेपरेट करूं, लेकिन सबको जानकारी देना थी इसलिए एक साथ ही बिठा लिया। इस बीच मैंने आपको कैप्सूल का प्रॉमिस किया था, कल रात को किया था या सुबह किया था? रात को किया था। 2 तरह के कैप्सूल लाए हम, एक छोटा सा कैप्सूल दिख रहा है, एक थोड़ा सा बड़ा कैप्सूल दिख रहा है। इसकी दवाई को अपन खोल के डिस्ट्रॉय कर देंगे। मुझे नहीं मालूम इसमें कौन सा खतरनाक पाउडर है, इसे उठा के शांति से डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब ये अपन ने इसका कवर निकाल दिया, ये अपन ने इस पानी में डाल दिया। अब अपन देखते हैं इसका क्या होता है, कुछ ना कुछ होगा तो सही। एक गिलास के पानी में आधे गिलास, इसी में से चाहे आधा कर दो, एक बर्तन गिलास कवर हो तो एक इसको और खोल के उसमें डाल देना, खोल के डाल देना, अपन देखते रहेंगे क्या होता है। अब मैं आपको 2-3 घटनाएं सुना रहा हूं बच्चियों की बहादुरी की। कानपुर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन खड़ी थी, ट्रेन चलने को हुई, एक लड़की विंडो पर बैठी हुई थी, विंडो की साइड। चलते समय जैसे ही ट्रेन चलने लगी तो एक लड़के ने विंडो के अंदर हाथ मार के लड़की को छूने की कोशिश की, चेस्ट पे हाथ अथवा ऐसे छूने की कोशिश की। लड़की को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अचानक उसके दिमाग काम कर गया, उसने चलती हुई ट्रेन में उस लड़के का दोनों हाथ पकड़ लिया, ऐसे दोनों हाथ पकड़ लिए। अब लड़का तड़फड़ा रहा, एक हाथ बाहर एक टांग लटकी हुई, दोनों टांग लटकी हुई, ट्रेन पास कर गई, सारे के सारे कानपुर रेलवे स्टेशन पर लोग देख रहे उसे, और वो उसने पकड़ लिया। अब वो चिल्ला रहा, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगा। करीब 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर ट्रेन पास हो गई। जब सारे यात्रियों ने कहा कि छोड़ दो, तब उसने छोड़ा, वो वहीं गिर गया। इसके बाद क्या हुआ होगा उसका तो वो ही जाने क्या हुआ होगा, लेकिन एक घटना हुई। एक रायसेन की घटना है हमारे यहाँ। रायसेन में लड़कियां परीक्षा देकर आ रही थी और 10वीं 12वीं के लड़के मोटरसाइकिल के ऊपर 3 लड़के बैठ करके बार बार राउंड लगा लगा के उन्हें हाय हेलो कुछ इशारा कर रहे होंगे। वो लड़की जब परेशान हो गई थी, तीनों लड़कियों ने उनको इशारा किया कम ऑन, तो लड़के खुश हो गए एकदम, तीनों लड़के आ गए। अब तीनों लड़कियों ने मिलकर उनकी जूते चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। अब जब उनकी पिटाई शुरू करी तो बाकी लोग भी इकट्ठे हो गए, उन्होंने भी पकड़ना शुरू किया, तो 2 लड़के तो भाग गए उसमें से अपनी जान बचाकर। एक लड़का था वो पुलिस वाले का लड़का था, अब उसकी सभी लोगों ने घेर लिया तो उसका अब छुड़ा भी नहीं सकते। आखिरकार उसकी रिपोर्ट हुई, पुलिस वाले को भी जवाबदेही हुई, उस बच्चे को ऐसे उसने किया। हमारा कहने का मतलब यह है बच्चियां यदि ठान लें तो कभी कमजोर नहीं हो सकती। कानून का ज्ञान इसीलिए आपको कराया है, आप कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे। बच्चों के सामने इसलिए बताया कि आप भी अलर्ट रहें, कभी छोटी सी भी गलती, जिस दिन बच्चा पकड़ा जाता है ना उस दिन बच्चे को इंसल्ट फील होता है, इतना रोता है, पापा को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा, ताऊ जी को पता लगेगा तो क्या होगा, मेरे सिस्टर को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा, मेरे जीजा जी को मालूम पड़ेगा तो क्या होगा, उस दिन उसको सारी हवाइयां उड़ती हैं। तो आप कभी भी ऐसे काम नहीं करें। इसके बाद मैं आपको कुछ पत्र पढ़ के सुना रहा हूं। जब आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं, बच्चे या बच्चियां हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं, तो आपके मम्मी पापा आपके बारे में क्या सोचते हैं,
उन बातों को आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्या बात है, चालू क्यों नहीं हो रहा बेटे आज? होगा होगा, देखता हूँ। लो अब तो चालू भी नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? कर उससे पहले माता पिता के कर्तव्य नाम से फोल्डर बनाया हमने आज, सभी लोग ले ले जो बड़े हैं। माता पिता के कर्तव्य नाम का एक फोल्डर है। एक चर्चा जो अभी तक नहीं की मैंने, वो मुझे आपसे कहना है। बच्चों पर बिगड़ने का आरोप लगाने से अच्छा है कि हम बच्चों को खुद समझे कि बच्चे क्या करना चाहते हैं और क्या हो रहा है। जैसे जितने भी लव अफेयर के केस होते हैं, इंटरकास्ट मैरिज के केस होते हैं, लड़कों लड़कियों भाग जाने के केस होते हैं, उनका 90% जो मोटिवेशन उनको मिलता है वो फिल्मों से मिलता है। लेकिन मिलता कैसे वो मुझे आपको बताना है। आपने देखा है सब लोग मिलकर के पिक्चर देखते हैं परिवार में, बच्चा भी बैठा है, लड़की भी बैठी है, लड़का भी बैठा है, दादा दादी भी बैठे, सब लोग पिक्चर देख रहे हैं। एक 3 घंटे की पिक्चर है, लव स्टोरी। शुरू में लड़के का लव होता है और फिर उन दोनों के बीच में बहुत परेशानियां आती हैं, सामाजिक अड़चने आती हैं, मम्मी पापा राजी नहीं होते हैं, दोनों साइड से बहुत प्रॉब्लम आती है। 2.5 घंटा बीत जाता है, 3 घंटा बीत जाता है। इसके बाद मम्मी पापा कोई एक्सपायर होने को होता है या कोई घटना घटती है, आखिरी में भी वो दोनों प्रेमी प्रेमिका का हाथ मिला करके पिक्चर खत्म कर देते हैं। 2.5-3 घंटे में दादी की आवाज क्या होती है, मम्मी की आवाज क्या होती है, चलो भगवान ने दो यूं मिला जाओ अच्छे रवि चाहिए, देखो तो जिंदगी भर रोत रही बिचारी, अच्छी रही, जो कछु हो अच्छा ही हो, देखो अब जो कछु है, बाद में तो माँ बाप मान ही जात। मैंने आप जब फिल्में देख रहे हैं और इस तरह के कमेंट्स देते हैं कि भगवान ने अच्छा किया, दोनों का असली प्यार था, असली प्यार को कोई रोक नहीं सकता और दोनों को मिला देना चाहिए, आप सोच रहे किसी और के बारे में कह रहे हैं, लेकिन आपकी बच्ची सुन रही है, उसने ये निर्णय कर लिया, आपके बच्चे ने ये निर्णय कर लिया कि आखिर में तो मम्मी पापा मान ही जाते हैं। ये निर्णय आपने बच्चे को करा दिया, ये आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत ही बड़ी। मैं सोचता हूँ कि यदि आपको पिक्चर भी देखना है तो आप बच्चों के सामने देख करके एक एक चीज का एनालिसिस करके बताएं, ये कितना गलत है। मैंने कॉलेज में जब मैं पढ़ाता था तो मैं बच्चों को ऐसी कितनी पिक्चरों का बताता था कि देखो इसमें कितना झूठ है, ये कितना इम्पॉसिबल है सब कुछ होना। तो आप भी वो करें, मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। निगरानी रखें, ध्यान से सुने, मुझे देखो उधर नहीं देखो, निगरानी रखें, इधर देखो जल्दी से, मुझे पढ़ के सुनाना, बहुत सारा मैटर है, आप घर ना जाके और पढ़ लेना, मैंने इतना शॉर्ट एंड स्वीट लिखा है लेकिन बहुत बड़ा है। अपने बच्चों की ध्यान रखिए, निगरानी रखें, बच्चों इधर से देखें ध्यान से, अपने बच्चों के मासूम चेहरे देखकर उन्हें अज्ञानी एवं भोला नहीं समझना चाहिए। छोटी उम्र में बच्चे अच्छा बुरा प्रकट कर देते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जैसे हम उस पर बीतता है वो बता देते हैं, तो मम्मी कैसे बोलती वो सुनिए, तब हम उन्हें सजा नहीं देते, मार्गदर्शन नहीं देते, यहाँ तक कि विवेक तक नहीं देते, वरन मालूम क्या बोलते, ए, ऐसा नहीं बोलते, ए, सबके सामने ऐसा नहीं कहते, चुप ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नाना प्रकार की बातों से उसे छुपाना सिखा देते। ये बच्चे का पहला बीज गंदा हो गया जहां से आपने उसको बिगाड़ दिया। आगे जब बच्चा अधिक जानकार होता है तो उसे बड़ों का भय और भी अधिक छुपाने को बाध्य कर देता है। बड़े होने पर लोक भय, निंदा, घृणा भी उसे अपनी प्रतिभा, यानी स्वयं की प्रतिभा और ज्ञान उसे छुपाने की कला सीखने को बाध्य कर देती है। और इसमें सहायक होते हैं गली के गंदे बच्चे, युवक, छात्र, साथी और कभी कभी तो रिश्तेदार भी। ये दशा भयानक ज्वालामुखी का शांत रूप है, शांत रूप है, कहेगा ज्वालामुखी का, अर्थात भविष्य अति दुखद होगा। तो हम क्या करें, क्या करें, बच्चे छुपा ना सके ऐसा उपाय करो। नंबर 1, बच्चों को भय, घृणा, निषेध, प्रतिबंध मात्र से नहीं सुधारा जा सकता,
जो मम्मी कहती आई हेट यू, गंदी बात है, मेरे से बात मत कर, मैं तेरे से बोलूंगी नहीं, तू बहुत गंदा है, ऐसा बोलने से बच्चे सुधरते नहीं है, उन्हें प्रतिबंध लगाने से भी नहीं सुधरते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? उन्हें उम्र के अनुसार सम्यक ज्ञान देना चाहिए। आपके शरीर में चेंजेज आएंगे, हार्मोन चेंज आएंगे, आपके विचारों में चेंज आएंगे, दोस्तों के बीच में आपको ऐसा फील होता होगा, स्कूल में ऐसा फील होता होगा, ये आप अपने बच्चों को समझाएं। उम्र के अनुसार सम्यक ज्ञान देना ही चाहिए। वह समझ सके, क्या समझ सके कि किसी भी प्रकार की गंदी बात छिपाने नहीं मिटाने लायक है। ऐसा ज्ञान विकसित करने के लिए विचार, चर्चा, निर्णय प्रवर्तन करना ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। आइए हम उसे क्या क्या सिखाएं सभी बच्चों को, जो मैं बताना चाहता हूं। उम्र के अनुसार शारीरिक परिवर्तन एवं उनके प्रति सावधानियां जरूर उन्हें बताएं। नंबर दो, छिपाने योग्य भाव, घटनाएं और प्रवर्तन को समझने और बताने में हिचकिचाहट मिटाना चाहिए। मैं जो हेजिटेशन होता है बच्चों को, उसे मम्मी पापा को स्वयं दूर करना चाहिए। आगे लिखा है बाल मनोविज्ञान समझना। आज की तारीख में पेरेंटिंग में सबसे बड़ी कमी है कि हम बाल मनोविज्ञान को नहीं समझते। बाल मनोविज्ञान को समझना, जैसे जैसे प्राइमरी तक के बच्चे अपना दोस्त नहीं बताते हैं, आपने देखा प्राइमरी तक के बच्चे घर आते हैं तो रोते रोते आते हैं, मैडम बहुत खराब है, हम कच्छू नहीं कर रहे थे, वो उसको ऐसे कर रहा था, उसको हाथ लगा रहा था, हमने उसे देखा, हमें मैडम ने मार दिया। मैंने बच्चे ऐसे बोलेंगे कि दूसरे की गलती है, मैडम की गलती है, और मम्मी को गुस्सा आती है, हमारे हमारा बच्चा तो गलती कर ही नहीं सकता, मैडम ही गलती करेगी। फौरन आ गई, तुमने हमारे बच्चे को हाथ लगाया तो लगाया कैसे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, तमाम तमाम बात। लेकिन मैं हर एक की तह में गया हूं, जब भी बच्चे मेरे पास कंप्लेंट करने आए तो उनकी तह में गए, बच्चों को मानना पड़ा कि गलती हमारी है। इसलिए पेरेंट्स को समझना चाहिए कि बच्चे अपना दोष नहीं बताते, परंतु शिक्षक छात्र साथी के प्रति घृणा सहित दोषारोपण करते हैं, वे अंतिम घटना बताते हैं, स्टार्टिंग नहीं बताते, जिससे भी प्रभावित होते हैं। घटना के प्रारंभ के बारे में 100% झूठ बोलेंगे, यथा हमने कछू नहीं करा, हमने कुछ भी नहीं कहा, और मैडम ने हमें मार दी, उन्होंने हमें चिढ़ाया, हम तो एक तरफ बैठे थे, वे लड़ रहे थे, हमने कुछ नहीं देखा, सर ने हमें खड़ा कर दिया। बच्चों की ऐसी बातें विश्वास करने मात्र से बड़ों बड़ों में झगड़ा झगड़े तक हो जाते हैं। विसंवाद का इसमें क्या आश्चर्य है? और मजेदार बात तो यह है कि बच्चे आपस में फिर खेलने लगते हैं और मम्मी पापा झगड़ जाते हैं। तो ये मैंने एक स्टाइल बताई है बाल मनोविज्ञान को समझने की। उपाय क्या है? सत्य बोलने का साहस पैदा करें, बच्चों की गलतियों पर डांटे मारे नहीं, वरन उन्हें अधिक प्यार दें। जिस दिन बच्चा बोले ना ये गलती करता वो पकड़ा जाए, एकदम गले लगाए, अच्छा बेटे अब नहीं करना, देखो हम इसको समझाते हैं आपको, मैंने बड़े प्यार से समझाएं। मैंने बच्चे को झूठ बोलने के लिए प्रेरित नहीं करें। गलती, झूठ, गाली, झगड़ा, इनके दुष्प्रभाव को समझाएं और उन्हें मिटाने का उपाय बताएं। जैसे एक बच्चे ने अपनी सिस्टर के बारे में मम्मी को कंप्लेंट की, हमारी दीदी खराब है, इसको मारो आप, इसकी पिटाई करो, ये हमें हमें को बहुत चिढ़ाती है, ऐसा करा, तो मम्मी क्या समझाए? अच्छा एक बार बताओ, दीदी तुमसे नहीं बोलेगी और तुम दीदी से नहीं बोलोगे, तुम्हारे कहने से हम दीदी को सजा दे देंगे, तो तुम किसके साथ खेलोगे कल से? फिर बाजार तो दीदी ले जाएगी, आइसक्रीम तो दीदी ही खिलवाएगी आपको, और जब आपको खीर खाना होती है तो कौन खिलाएगा आपको? दीदी खिलाएगी। मैंने उसको ऐसे महिमा बताओ कि दीदी की महिमा आ जाए। मेरे सामने आज एक भाई बहन की समस्या आई, मैंने माँ उसको लेकर के आई थी, मुझे पता नहीं है भी कि चली गई वो माँ, लेकिन उन्होंने बताया मेरे को कि पंडित जी ये बड़ी है हमारी बेटी और लड़का छोटा है, तो जब देखो जब उसको मार देती है, जबकि अधिकतम वो उसे मारता है, छोटा वाला बड़े को। तो मैंने क्यों, ऐसी क्या बात है? अब बोले पंडित जी वो अपने हिस्से की चीज खा जाता है और दीदी की छीनता है, समझ गए, अपने हिस्से की खा जाता है और दीदी के हिस्से की छीनता है। अब बताओ पंडित जी उस बच्चा तो छोटा है, इसी को कंप्रोमाइज करना चाहिए? मैंने कहा नहीं ये गलत है, बच्ची को हमेशा उसका पूरा बचपन दुखी रहेगा। यदि तुम्हारा बच्चा नहीं सुधरता हो मान के चलो, तो मैंने उसका उपाय मैं बताता हूं, उसे सबसे पहले जितना हिस्सा उसे मिलना चाहिए उसका आधा हिस्सा उसे दो खाने के लिए और आधा हिस्सा दीदी को दो,
वो खुद का खा लेगा और दीदी से छीन लेगा, तो आधा आधा इक्वल टू एक हो जाएगा उसका। और फिर दीदी को दीदी का हिस्सा दे दो। फिर इससे भी बढ़िया स्टाइल, इससे भी बढ़िया स्टाइल, अब मान के चलो उसके खिलौने छीनता है, तो आप उसे कहो देखो आप बड़ों से लड़ते हो ना, हम आपको खिलौना नहीं दिलाएंगे, हम दीदी को खिलौना दिलाएंगे। आज बच्चे ने झगड़ा किया है, आज ही मार्केट से एक बॉल खरीदो और दीदी को दो, ये आपकी बॉल है इसकी नहीं, क्योंकि आपसे लड़ता है, मुझे मालूम वो छीन लेगा, ये हमें पता है वो छीन लेगा, लेकिन हमें मालूम है कि वो हमें देना तो चाह रहे हैं लेकिन इसके माध्यम से। तो दीदी ने बड़े प्रेम से कहा भैया रो नहीं, लो ये बॉल से आप खेलो। इस तरह से छोटे भाई को अपनी बड़ी सिस्टर की महिमा आएगी, मम्मी उसे पनिश करेगी और बड़ी दीदी उसके हिस्से का, अपने हिस्से का माल उसको देगी, प्रेम से खिलौना देगी, खाने पीने की चीज देगी। तो अब मैं समझता हूँ बड़ी दीदी और छोटे बच्चे में कभी भी प्रेम होगा, झगड़ा नहीं होगा। मतलब स्टाइल आपको सोचना है, बच्चे बच्चियों के बीच में ऐसा पक्षपात नहीं करें जिससे उसको बुरा लगे, अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। आइए आगे, किसके साथ खेलोगे, फिर स्कूल किसके साथ जाओगे, और पिकनिक तो भैया ही ले जाएगा, मिठाई तो उसी से लेनी पड़ेगी, बिना पूछे पहन लोगे तो वो तो मारेगा ही, उसमें क्या बात है, बिना पूछे क्यों लेते हो, वैसे वो तुम्हें कितना प्यार करता है, वे चुगली भी करेगा, फिर क्या होगा बोलो, फिर होमवर्क में मदद कौन करेगा, अतः झगड़ा नहीं किया करो। मैंने कुल मिलाकर के दोनों बच्चों को प्रेम कराना ही उपाय है। बच्चा रोने लगे तो दीदी को एक दो दे दिए, या दीदी रोने लगी तो बच्चे को दो दे दिए, ये गलत रास्ता है, आपको इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। बाल मनोविज्ञान पढ़ने के लिए बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं मैंने बताई है पहले, इसलिए उसकी समय नहीं दे रहा हूं। मैं वो पत्र पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि टाइम हो जाएगा आपका, मैं बहुत सारी चीज बीच में छोड़ रहा हूं, आप मेरे से ले लेना, मैंने इसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं। बहुत प्यारा पत्र है, तीन पत्र मैंने इसमें शामिल करके रखे माता पिता के कर्तव्य में, वो सभी लोग पढ़ लेना, उनकी व्याख्या होनी चाहिए। एक बेटा पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज कहीं गया है, हॉस्टल में गया है और मम्मी पापा से दूर है, तो मम्मी पापा ने क्या लिखा उसके लिए वो सुनने जैसा है। प्रिय बेटे प्रसन्न रहो, बेटे ध्यान से सुनना, बेटे आशीर्वाद दिए नहीं जाते लिए जाते हैं। पहली पंक्ति क्या है, आशीर्वाद दिए नहीं जाते हैं लिए जाते हैं, समझ गए, आप अच्छे काम करोगे तो दुनिया आशीर्वाद देगी। तुम एक वृद्ध महिला को, भिखारिणी को, भिखारी को धक्का दे दो, ए आशीर्वाद दे दे रहा है कि नहीं दे रहा आशीर्वाद, बोलो फलो फूलो तो आपको हाय मिलेगी। लेकिन आप अच्छे काम करेंगे, एक ओल्ड मैन को, बुजुर्ग व्यक्ति को इस आप रोड क्रॉस करा देते हाथ पकड़ के बड़े प्रेम से, और दादी आपकी तबीयत कैसी रहती है, आपको कैसा लगता है, आइए मैं आपको वहां छोड़ दूं। इसके बाद आप जब जाएंगे ना, बेटा फूलो भरो दूधो नहाओ खूब खुश रहो, आशीर्वाद अपने आप मिल जाएगा। समझ गए आप लोग, आशीर्वाद लिए नहीं जाते दिए नहीं जाते लिए जाते हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि तुम नम्रता पूर्वक मेरी शिक्षाएं समझकर इसे ही आशीर्वाद रूप से ग्रहण करके प्रसन्न रहोगे। मेरी जो शिक्षाएं हैं ये आशीर्वाद है। नंबर एक, बेटे आप महानगर में पढ़ने गए हो, तुमने प्रतिभाशाली होने के कारण प्रथम 100 में रैंक पाया, ग्राम प्रदेश शिक्षकों एवं हमें गौरवान्वित भी किया है। आज आप सबसे अच्छे महाविद्यालय कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हो, परंतु मेरा अंतर्मन तुम्हें ही शिक्षाएं देना चाहता है। प्रिय बेटे सदा ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, क्या ध्यान रखना, नंबर वन, अनुभव सदा बुद्धि से बड़ा होता है, अनुभव डिग्रियों से बड़ा होता है। बुजुर्ग बुजुर्ग ही होते हैं, आप कितने ही बड़े MBA कर जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, लेकिन जो अनुभव है उसका मुकाबला नहीं होता। बेटे अनुभव सदा बुद्धि से बड़ा होता है, तुम शिक्षकों मित्रों के दादा दादी एवं माता पिता के अनुभव का आदर करना, उनके निर्णयों को बहुमान देना, कभी कभी तुम्हें उनकी बातें निर्णय सनक जैसी भी लगे तो भी तो उनका सम्मान करना, अपने अजीज मित्रों की उपेक्षा करके भी
बहुत कठिन लाइन बोल रहा हूँ। सबसे कठिन काम है, मैं अभी आपसे बोलू ना कि आपका करियर बेटे इसमें बहुत अच्छा है, आप मेरी नहीं मानेंगे, मम्मी पापा की नहीं मानेंगे, यहाँ तक ये टीचर प्रोफेसर है ना इनकी भी नहीं मानेंगे। 10 में से 9 बच्चे यदि बायोलॉजी भरेंगे तो 10वां बच्चा भी बायोलॉजी भरेगा। 10 में से 9 बच्चे यदि MBA करने जाएंगे तो 10वां गधा बच्चा भी, पैसा नहीं हो, ताकत नहीं हो, उसको समझ नहीं सकती नहीं हो, तो अभी वो वहीं चला जाएगा। ये गलती जिंदगी में नहीं करना, इसके लिए मैंने लिखा है आपको क्या कि आप अपने अजीज मित्रों की उपेक्षा करके भी उनके निर्णयों के अनुसार प्रवर्तना, उनका सम्मान करना। जैसे ध्यान से सुनना, जैसे अपनी आर्थिक स्थिति, धर्म, संस्कृति के अनुसार मित्र बनाना, अपनी धर्म संस्कृति के अनुसार भोजन करना, अपनी संस्कृति के अनुसार खर्चा करना, माने अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार खर्चा करना, अपनी आर्थिक स्थिति और संगति संस्कृति के अनुसार संगति करना, समय से जागना, समय से सोना, देर रात तक नहीं पढ़ना, प्रातः दौड़, व्यायाम, प्राणायाम करना, ईश्वर वंदना करना, सदा ध्यान रखना, बाजार में फास्ट फूड, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक से बचना, टीवी, टॉकीज एवं स्वयं वयस्कों की अति निकटता समय, फिर से बोल रहा हूं, टेलीविजन, मोबाइल, टॉकीज और अपने बराबरी के मित्रों की अति निकटता समय से पूर्व जवान बना देती है। आप समय से पहले मैच्योर हो जाते हैं और हर छोटे मोटे रोग में दवाएं लेने की आदत समय से पहले वृद्ध बना देती है। जरा सी कोई बात हुई, जरा सिर दर्द दवाई, जरा पेट दर्द दवाई, जरा कुछ बात हुई दवाई, समय से पहले मित्रों की संगति, मोबाइल आदि आपको समय से पहले जवान बना देती है और दवाइयां छोटी छोटी बातों पर लेने में समय से पहले आपको वृद्ध बना देती है। बेटा इस उम्र में कुछ कर गुजरनी, जमाने को बदल डालने का जज्बा कुछ अधिक ही होता है, जो एक रचनात्मक शौर्य प्रदायक होने से श्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है, परंतु अति आत्मविश्वास एवं सलाह नहीं लेना की आदत, निर्देशन में निराश रहने की क्षमता उसे अवसाद के गर्त में धकेल कर कहीं का नहीं छोड़ती है। बेटे सदा अपने से बड़ों के साथ पारदर्शिता बनाने का प्रयत्न करें, अपने शिक्षक प्राचार्य से अपमानित होने में, क्या बोल रहा हूं, अपने शिक्षक और अपने प्राचार्य से अपमानित होने में साहसी बनो, परंतु कोई भी अपराध भावुकता बस हुए प्रवर्तन छिपाना नहीं। साहसी बनने की बात कही, आज की भौतिकवाद समाज में परिवार की वर्जनाएं अर्थात परिवारों का कंट्रोल, नियंत्रण, निर्देशन, धार्मिक आत्मिक संयम, गौरव नष्ट हो रहे हैं। फिर से बोल रहा हूं, आज क्या क्या नष्ट हो रहा है, आज की भौतिकवाद समाज में परिवार की लिमिटेशन समाप्त हो रही है, धार्मिक लिमिटेशन समाप्त हो रही है, स्वयं का सेल्फ अनुशासन था, डिसिप्लिन वो समाप्त हो रहा है, अपना आत्मिक गौरव था, जैन होने का गौरव था, वो नष्ट हो रहा है। बहुत मार्मिक लाइन है, ध्यान से सुनना, भौतिकवाद यदि सुविधा है, भौतिकवाद यदि सुविधा है तो अध्यात्म हमारा प्राण है। भौतिकवाद यदि हमारी सुविधा है तो अध्यात्मवाद हमारा प्राण है। हम भौतिकवाद में अंधे होकर प्राण नहीं दे सकते, अर्थात इसे पाने के लिए अन्याय नहीं कर सकते, अनीति नहीं कर सकते, भ्रष्टाचार को प्रश्रय नहीं दे सकते, क्योंकि समझ बूझ संस्कार स्वानुभूति के बिना संपत्ति, समस्त संपत्ति विपत्तियों का घर है। आपने सुन लिया होगा, कल के अखबार में पढ़ लिया होगा, विजय माल्या लंदन की कोर्ट से भी हार गए, 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए के लिए उन्होंने सही मान लिया कि आप गलत हैं, आपको जाना चाहिए। आज कैसा लग रहा होगा वो 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति का क्या हुआ होगा, वो सारे सुख का क्या हुआ होगा। ध्यान रखना बेटे, ये है भौतिकवाद, आपको ऐसे दुखी रहकर छोड़ देगा। भौतिकवाद अन्याय, अनीति, भ्रष्टाचार से नहीं कर सकते, क्योंकि समझ बूझ संस्कार स्वानुभूति के बिना ही, बिना की संपत्ति विपत्ताओं का घर है। पॉइंट नोट करें बेटे, बहुत अच्छा है, नोट करें, मैंने सुने ध्यान से, सुनना भैया, डिप्रेशन अने अवसाद, अवसाद की खीर पूरी हलवा से प्रेम की रूखी रोटी अमृत के समान होती है, प्रेम की ईमानदारी की रूखी रोटी अमृत के समान होती है। सोने के महल में अविश्वासियों के बीच में रहने से श्रेष्ठ है कांटों की सेज,
जहाँ हमारे आत्मी स्वतः आत्मी हितेशी स्वजन साथ हो और समाधि की चर्चा हो। वो कांटों की सेज बहुत अच्छी है, प्रतिकूलता बहुत अच्छी है, कब से हमारे आत्मी हितेशी जनते हैं, लेकिन वो सोने का महल हो और खतरों से भरा पड़ा हो। आपने देखे हुए सीरियल वगैरह सारे, चाहे वो सम्राट चंद्रगुप्त हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, या कोई भी हो, महलों में रहने पर भी चारों तरफ से संकट ही संकट, अपने ही लोगों से संकट, बाहर वालों से संकट। और आपने देखा होगा भारतीयों की जब जब पराजय हुई, विदेशी शक्तियां नहीं जीत पाई, हमारे लोगों से परेशान होकर के हारे हम। फिर से बोलता हूँ, बहुत प्यारी पंक्ति है, सोने के महल में अविश्वासियों के बीच में रहने से श्रेष्ठ है कांटों की सेज, जहाँ हमारे आत्मीय हितेशी स्वजन साथ हो और समाधि की चर्चा हो। एक और बहुत मार्मिक पंक्ति, बहुत मार्मिक पंक्ति, आजकल मम्मी पापा बच्चों को बहुत टॉर्चिंग कर रहे हैं, 80% नंबर लाने वाला बच्चा भी टॉर्च हो रहा है। मम्मी पापा जब देखो जब कह रहे, तेरी मार्क्स तो आती नहीं है, तेरी मार्क्स तो आती नहीं है, तू पढ़ता कहाँ है, तू गधा है, तू डब्बू है, 85 आ जाए तो भी डब्बू है, 90 आ जाए तो भी डब्बू है। उसके लिए मैंने लिखा एक बहुत अच्छी पंक्ति, देखो बेटे, सभी लोग अच्छे बैठ के सुनो बेटे, जीवन में रैंक, डिग्री, अच्छा पैकेज, संपत्ति ही सब कुछ नहीं है। सचमुच तो ये जीवन का एक हिस्सा मात्र है। आप स्वस्थ रहें, संस्कारी रहें, समाज, परिवार, आत्मानुभूति, संस्कृति को भी अपने जीवन का अभिन्न अंग समझना। पढ़ाई, रैंक कमजोर होना मनुष्य को अपराधी नहीं बनाती। पढ़ाई कम हो जाए, डिग्री कम आ जाए, रैंक कम आ जाए, ये मनुष्य को अपराधी नहीं बनाती। परंतु उपरोक्त मूल्यों के अभाव में, कौन से, स्वास्थ्य के अभाव में, संस्कार के अभाव में, समाज परिवार के प्रति जिम्मेदारी के अभाव में, आत्मानुभूति और संस्कृति के अभाव में, अपने एवं मानवता के प्रति अपने आप में घोर अपराध है। जो माता पिता की सेवा नहीं करते बहुत बड़ा अपराध है। आप संस्कृति से दूर भागते हैं बहुत बड़ा अपराध है। आप आत्महात करते थे बहुत बड़ा अपराध है। उपरोक्त मूल्यों का अभाव, अतः संतुलित जीवन का महत्व समझना, तो मेरा जीवन सदा, फिर से बोलता हूँ, अतः संतुलित जीवन का महत्व समझना तो मेरा आशीर्वाद सदा फलित होगा। बहुत सुंदर पंक्ति, ध्यान से सुनेंगे, प्रतिकूलताएं, विपदाएं तुम्हारी मुस्कान को बाधित, आच्छादित नहीं कर सकेंगी। हर व्यक्ति के जीवन में विपदाएं आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, लेकिन तुम्हारी मुस्कान को बाधित नहीं कर सकेंगी, तुम्हें आच्छादित नहीं कर सकेगी। आगे, विपदाएं सदा बालक से दूर ही होती हैं। अपने को सदा सरल, सहज, बालकवत, निश्चल बनाए रखना बेटे। छल, फरेब एवं अपने दोषों को छिपाना, छल, फरेब और अपने दोषों को छिपाना, ट्रांसपेरेंसी की कमी, ये आपके बालपन को नष्ट कर देगी, आपकी सहजता खो जाएगी और यही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु सिद्ध होगा। ऐसे आदमी को विश्वसनीय मित्र, जीवन साथी, संतति मिलना तक दुर्लभ हो जाता है। बालकों में विनीत, सुनिए, बालकों में आपको कैसा होना चाहिए, बच्चों में विनीत, समवयस्कों में प्रौढ़ और बड़ों के सामने सदा बालक व चेष्टा रखना, रखोगे ना, शेष जीवन भर लिखता रहूंगा, जिज्ञासा रखना और सादर सीखना, आपका प्रिय पापा। एक लेटर उनकी तरफ से लिखा है आपको, एक लिंकन का पत्र है, पूरा का पूरा लिंकन का पत्र, पूरा का पूरा पढ़ने लायक है। मैं तो सोचता हूँ हर साल विद्यालय में उसका वाचन होना ही चाहिए। फिर एक पत्र छपा था, उसकी लेखक हैं पूनम मेहता, इंदौर की पत्रिका, अखबार निकलता पत्रिका, 7 मई 2014 का, वो भी एक बहुत अच्छा पत्र है, मैंने इसमें डाल दिया है। चूंकि अभी टाइम हो गया है इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ, तो ये पढ़ लेना आप लोग। बाकी एक पत्र और है, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि आप इसे पढ़ें, पापा का पत्र बेटी के नाम, एक ये पत्र भी मैंने इसमें डाल दिया है, यदि आप चाहेंगे। बस अंतिम चीज पढ़ा के छोड़ रहा हूँ, न्यूज़पेपर में छपा था, सराहनीय 7 संकल्प बच्चों को जरूर करना, सराहनीय, प्रशंसनीय 7 संकल्प। नंबर 1, प्रत्येक महिला का सम्मान करेंगे। याद रखो महिला किसी न किसी की माँ, बहन या बेटी है। नंबर 2, यदि किसी महिला या लड़की को मुसीबत में देखेंगे तो यथासंभव उसकी मदद करेंगे, दूसरा संकल्प है। 3,
मुश्किलों में संघर्ष कर रही महिला या लड़की के साथ खड़े रहेंगे या आवाज उठाएंगे? संघर्ष करने वाली लड़कियों का साथ देंगे, आवाज उठाएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। नंबर चार, बस या रेल में महिलाओं या बुजुर्गों को पहले सीट पर बिठाएंगे। नंबर पांच, नौकरी के समय कार्यस्थल पर महिला सहकर्मियों के साथ सम्मान और विनम्रता से व्यवहार करेंगे। बहुत मेहनत लगेगी, इसमें करना ही चाहिए। देखिए, सार्वजनिक स्थलों पर अमर्यादित आचरण, इशारे, अभद्र अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। सातवां है, अपने घर में आने वाली घरेलू कामगार महिला या लड़की के साथ, नौकरानी के साथ भी सम्मान पूर्वक वार्तालाप करेंगे। आपको याद होगा ये सात संकल्प क्यों छपे समाचार पत्र में, जब ये महिलाओं के बहुत सारे केस हो रहे ना गलत अपमानना वाले, तब ये पत्रिका राजस्थान पत्रिका, उन्होंने सात संकल्प निकाले कि इसका प्रचार प्रसार जगह जगह होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं, आशा है आप सब इनका पालन करेंगे और हम सब सफल होंगे, सुखी होंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि हम बालकों में से, हम जैन समाज के बच्चों में से कोई भी बच्चा कभी घुटन का शिकार हो, डिप्रेशन का शिकार हो, परेशानी का शिकार हो, अपमान का शिकार हो। आप सब सुखी रहें, अपने माता पिता, अपने धर्म का गौरव बढ़ाएं, अल्पकाल में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट करें, मुनि दशा और आरिका दशा प्रकट करें और मोक्ष में जाएं, इसी भावना के साथ शुभकामनाएं।